रहमान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर, रकबा और अहाता कैसे मालूम करते हैं। आज हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक अप और पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड एन ऑब्जेक्ट। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर हूज साइड इज 12 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर मालूम करें जिसकी एक साइड 12 सेंटीमीटर है। तो हम पहले पढ़ के आए हैं कि पेरीमीटर की को जो है वो चारों लेंथ्स को ऐड करने से हमें पेरीमीटर हासिल होता है। तो इसको सामने रखते हुए आप इसको खुद से हल करने की कोशिश करें, वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। तो अगर हम चारों लेंथ्स को ऐड करें तो हमारे पास 48 सेंटीमीटर आता है। तो पेरीमीटर जो है वो स्क्वायर का 48 सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ स्क्वायर हम दोनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई ज़रब देने से हासिल होता है और उसके स्क्वायर यूनिट्स होते हैं। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और ख़ुद से हल करें इसका। हम देखते हैं कि अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें तो 12 × 12 इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। व्हाट नेक्स्ट, आप देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है। Find the perimeter and area of rectangle whose length is 12 cm and breadth is 8 cm. एक मुस्ततील है जिसकी लंबाई 12 cm और चौड़ाई 8 cm है। अब वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। अभी हम ऊपर पेरीमीटर का फार्मूला देख चुके हैं। तो इस हिसाब से दो लेंथ्स हैं रेक्टेंगल की, तो 2 × 8 प्लस 2 × 12, तो ये हमारे पास 40 cm आ जाता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हमें मालूम करना हो तो हम लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, खुद से इसको क्वेश्चन को हल करें। तो अगर हम लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आता है। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट शेपिंग योर ओन डे, अपने दिन को खुद बनाओ। स्टार्ट वॉकिंग योर ओन वॉक, अपना सफ़र खुद चलना शुरू करो। This journey is your, ये सफ़र तुम्हारा है। Take charge of it, इसकी कमान खुद संभालो। Don't give other people power to shape your life, लोगों के हाथ में अपनी ज़िंदगी की बागडोर ना दो। तो प्यारे बच्चों, ये आप कैसे कर सकते हो। अल्लाह रब्बे कायनात है, अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाह के दोस्त बन जाओ। जो अल्लाह का वली होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है, और अल्लाह ताला अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाता है, और जो शैतान की पैरवी करता है शैतान रोशनी से अंधेरे की तरफ ले जाता है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह का दोस्त बनना बहुत आसान है। अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह के लिए कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। कुरान जी तर्जुमे के साथ पढ़ें, जो ऐसी ज़बान जिसमें आपको समझ आती हो। रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें, याद रखें 24 घंटे कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरी हर चीज़ देख रहा है। अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करें, मौत को याद करें, हम थोड़ी देर के लिए दुनिया में आए हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स को सुने, भलाई की दावत दें, हमेशा सच बोलें, अच्छे कामों में मसरूफ रहें, वक्त ज़ाया ना करें। अब हम मैथ इन रियल लाइफ, मैथमेटिक्स हमारी ज़िंदगी में कैसे आता है। आप ये एग्जांपल देखें, द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड रूम इज़ 5 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग एट द रेट ऑफ 900 पर स्क्वायर मीटर। अगर आप इसकी फर्श में कारपेट कराना चाहें 900 पर स्क्वायर मीटर से, तो कितना चाहिए होगा, पैसे कितने लगेंगे। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ रूम फाइंड किया, 5 × 5 = 25 स्क्वायर मीटर। फिर हमने देखा कि एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 900 है, तो 25 की कितनी होगी। हमने 25 को 900 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 22,500 आए। तो सो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग या कारपेटिंग हमने करानी है तो 22,500 रुपये होगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एक फील्ड है, फील्ड खेत को कहते हैं। द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 17 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर। हमने इसकी फेंसिंग या इसके गिर्द बाड़ लगानी है, बाड़ का जो रेट है वो ₹10 पर मीटर है। तो सबसे पहले हमने फील्ड का पेरीमीटर मालूम किया, तो उसकी 4 साइड्स हैं, तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज 10, तो 68 की उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹680। फेंस बाड़ को कहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड इज टोटल ₹680।
तो उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।